उसके बाद अब जो टॉपिक है आपके पास वो ये है कि सीक्वेंस की कितनी टाइप्स होती हैं, सही है। अब देखो आपकी बुक में जो लिखी है वो तीन टाइप्स लिखी हुई है सीक्वेंस की, सही है, और इसी से रिलेटेड सब एक्सरसाइज हैं आपकी, ठीक है। ज़्यादातर जो आपकी इंपॉर्टेंट जो है, जिनकी ज़्यादा एक्सरसाइज है, वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस है। हार्मोनिकी बहुत कम सवाल हैं और एक्सरसाइज भी उससे रिलेटेड कम है, सही है। तो अभी तीनों सीक्वेंस में एक साथ नहीं समझा रहा, जो जो जब जब आती जाएंगी मैं उनकी डेफिनेशन और उनके बारे में बताता जाऊंगा, सही है। अब जो पहली एक्सरसाइज है, शुरू की दो तीन एक्सरसाइजेज जो हैं वो अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड हैं, सही है। तो मैं वो आपको डेफिनेशन बता दी, स्टैंडर्ड फॉर्म सब बता दूंगा, उसके बाद जब ज्योमेट्रिक आएगी तब मैं उसकी समझा दूंगा, सही है। तो तीन सीक्वेंस है, सबसे पहली सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ही बात है, ठीक है। तब इसको एपी लिखा जाता है आमतौर पे, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। होती क्या है, नहीं होती क्या? अच्छा हाँ, अरिथमेटिक सीक्वेंस होती क्या है कि ऐसी सीक्वेंस, इसकी दो डेफिनेशन है। जैसे होता है ना कि एक ग्लास अगर आधा भरा हुआ हो, तो एक होता है ना कि देखने का सोचने का एक माइंड होता है। एक बंदा ये बोल सकता है ग्लास आधा खाली है, अगर आधा भरा हुआ होगा तो इसका मतलब आधा खाली है, और एक बोलेगा आधा भरा हुआ है। तो वो देखने का बात दोनों की सही है, लेकिन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, दोनों के जो देखने का अंदाज, देखने का तरीका वो अलग है, सोचने का तरीका वो अलग है। इसी तरह जो अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है, अब वो सीक्वेंस तो एक ही है, लेकिन उसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। दोनों तरीके एक ही चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस ही है, लेकिन दो डेफिनेशन क्या है वो आप लोग समझ लो। पहली डेफिनेशन क्या है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ अ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट, कि जो कंसेक्यूटिव टर्म ये होती है जो एक साथ होती हैं, कि एक साथ जो टर्म है उनका डिफरेंस जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे अगर आपके पास एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 9, सही है, ये सीक्वेंस है आपके पास, ठीक है, इन्फिनिट नहीं छोड़ो, फाइनाइट कर देते हैं इसको, ये सीक्वेंस है टोटल आपके पास। अब करना ये क्या, हमें चेक करना है अरिथमेटिक है या नहीं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो कंसेक्यूटिव टर्म कौन सी है, ये दो कंसेक्यूटिव टर्म, फिर ये वाली है, एक साथ वाली टर्म जो होती है, सही। अब यहाँ पे जिस डिफरेंस की बात की जा रही है, उस डिफरेंस का मतलब ये है कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब अगर इन दो की बात की जाए तो डिफरेंस का मतलब क्या है, सेकेंड कौन सी है 3 और पहली वाली टर्म कौन सी है 1, सही है। इसी तरह अगर इन दो कंसेक्यूटिव टर्म की बात की जाए तो सेकंड वाली टर्म कौन सी है 5 और पहली वाली टर्म क्या है 3। अगर 5 और 7 की बात की जाए तो डिफरेंस मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड क्या है 7 और फर्स्ट क्या है 5, 9 7 में देखा जाए 9 माइनस 7, इन सब का रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है 2 के बराबर आ रहा है, सही है। तो इस टाइप की सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस जो है वो कॉन्स्टेंट रहा है कंसेक्यूटिव टर्म का, उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस बोला जाता है, सही है। अच्छा इसको फिर हम, इस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस इसलिए क्योंकि सब टर्म में एक ही डिफरेंस आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, सही है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, इस वाली सीक्वेंस में 2 है। दूसरा डिफाइन करने का तरीका ये है, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज फॉर्म बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द वन प्रीसीडिंग इट। कहने का मतलब ये है कि ऐसी सीक्वेंस, सही है, जिसमें, जिस सीक्वेंस में दूसरी टर्म कैसे आई है कि मैंने पहली टर्म में 2 ऐड कर दी है तो 3 आ गई, फिर 5 कैसे आया, मैंने 3 में 2 ऐड कर दिया तो 5 आ गए, 5 में मैंने 2 ऐड किया तो 7 आ गए। मतलब ऐसी सीक्वेंस जिसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास फिक्स नंबर, मतलब जो पुरानी वाली टर्म होगी ना, जैसे 3 टर्म कैसे आएगी, इससे पहले वाली टर्म कौन सी है 1, अगर 1 में मैं 2 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, फिर 3 में मैं 2 ऐड करूंगा 5 आ जाएगी। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें हम एक फिक्स नंबर हमेशा ऐड कर रहे हैं, हर टर्म में हमने सिर्फ फिक्स नंबर ऐड किया, फिक्स नंबर क्या है 2 है, हर टर्म में हमने 2 ऐड किया तो हमारे पास एक और टर्म आ गई, सही। इस टाइप की सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो दो क्राइटेरिया हैं, दो तरीका है आप अरिथमेटिक सीक्वेंस के अप्रोच कर सकते हो, दो तरीके से। एक तरीका ये है कि आप ये बताओ कि इनका डिफरेंस जो है वो कंसेक्यूटिव टर्म का कॉन्स्टेंट है। दूसरा तरीका ये है कि हर टर्म में अगर आप फिक्स एक कॉन्स्टेंट ऐड करोगे तो आपके पास एक और टर्म आ जाएगी। 1 में फिक्स नंबर क्या 2 ऐड करोगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करोगे 5 आ जाएगा, 5 में 2 7, 7 में 2 9 आ जाएगा, सही। तो दो तरीके, मैंने दोनों तरीके से आप लोगों को बता दिया अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद टॉपिक ये है कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म, ये टॉपिक है, सही है। किस तरह निकालोगे, देखो सबसे पहले आप लेट कर लो, अगर फर्स्ट टर्म किसी भी एपी की ए के बराबर है
फर्स्ट टर्म एपी की ए के बराबर है और कॉमन डिफरेंस जो मैंने आप लोगों को बताया था उसको शो कर लो डी से. अगर कॉमन डिफरेंस डी है और फर्स्ट टर्म उसकी ए है तो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होगी देखते जाओ. पहली टर्म क्या है आपके पास ए, क्योंकि मैंने लेट कर लिया फर्स्ट टर्म ए के बराबर है. अब मैंने आप लोगों को सेकंड वाली डेफिनेशन में क्या बताया कि अरिथमेटिक सीक्वेंस कैसे आती है कि आप पहले वाली एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करोगे तो एक और टर्म आ जाएगी आपके पास. सही है, वही वाली चीज़ देखिए. अगर पहली टर्म जो है वो ए के बराबर है तो सेकंड टर्म कैसे आएगी, आप एक फिक्स नंबर ऐड करोगे ना, और आपको पता है फिक्स नंबर क्या है यहाँ पे, डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं. देखो इस डेफिनेशन में ये टू को मैंने क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस बोला था, और यही टू आपने ऐड किया था इस डेफिनेशन के अंदर. जो बात की जा रही है ना कि एडिंग अ फिक्स नंबर, वो फिक्स नंबर क्या है, कॉमन डिफरेंस है ना टू, तो वही वाली बात है. अगर मैं ए के अंदर टू ऐड करूंगा, मतलब वन के अंदर मैंने टू ऐड किया था मेरे पास सेकंड टर्म आई थी, इसी तरह टू मेरे पास क्या, कॉमन डिफरेंस, एक फिक्स नंबर है ना जो मैं ऐड करता हूँ तो दूसरी टर्म आ जाती, वही वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर पहली टर्म ए है तो दूसरी कैसे आएगी, मैं एक फिक्स नंबर ऐड करूंगा, फिक्स नंबर क्या है डी, मतलब कॉमन डिफरेंस, तो दूसरी टर्म मेरे पास कैसे आ जाएगी, डी मैंने ऐड कर दिया. तीसरी टर्म कैसे आएगी, मैं एक और डी ऐड कर दूं. जैसे वन में मैंने टू ऐड किया तो थ्री आ गई, सही है. फिर वन में मैं अगर एक और टू ऐड करूंगा, सॉरी वन में कह रहा हूँ, वन में मैंने टू ऐड किया मेरे पास क्या आया, थ्री आ गया. फिर मैंने थ्री में टू ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, फाइव आ गया, वही वाला सीन है. ए में डी ऐड किया तो सेकंड टर्म आ गई. फिर इस वाली ए प्लस डी टर्म में मैंने डी ऐड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी. फिर इस ए प्लस टू डी हो जाएगा ना, ए प्लस टू डी टर्म में मैंने डी ऐड किया तो मेरे पास फोर्थ टर्म आ गई, सही. इसी तरह पैटर्न चलता रहेगा एन टर्म तक, ठीक है. अब इसके जनरल टर्म का फॉर्मूला कैसे हम बनाएंगे वो देख लो. देखो पहली टर्म में आपको डी नज़र नहीं आ रहा, अगर डी नज़र नहीं आ रहा तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना जीरो डी. बात एक ही है कि डी इसके अंदर मौजूद नहीं है, ए प्लस जीरो डी. जीरो को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, वन माइनस वन, सही. उसके बाद इसमें देखो सिर्फ एक डी आ रहा है, मतलब डी का कोफिशियंट लेट कर लो वन के बराबर है, सही है. तो वन को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, टू माइनस वन. फिर इसमें देखो ए प्लस टू डी, मतलब टू आ रहा है डी के साथ तो मैंने क्या लिखा, थ्री माइनस वन. फिर इसके साथ a प्लस थ्री डी आ रहा है, थ्री कैसे आ सकता है, फोर माइनस वन, सही है. तो अगर आप इस पैटर्न को देखते जाओ, ये दूसरा नंबर जो है वन 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 ये कांस्टेंट है तो मैंने जनरल टर्म में वन लिख दिया. उसके बाद शुरू के नंबर देखो, पहली टर्म में या वन आ रहा है, दूसरी टर्म में टू आ रहा है, तीसरी टर्म में थ्री और फोर्थ टर्म में फोर आ रहा है, तो एक n टर्म में क्या आएगा, n ही आएगा, सही है. तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे जनरल टर्म है एपी की, सही है. ये जो है ये नॉर्मल टर्म है, ये पहली टर्म है या दूसरी टर्म है, इस वाली टर्म को क्या बोलोगे, जनरल टर्म बोलोगे. जनरल टर्म भी बोला जाता है और इसको nth टर्म भी बोला जाता है, nth टर्म. nth टर्म का मतलब ये होता है कि अगर बिलफर्ज आपके पास ये सीक्वेंस चल रही है और ये इनफिनिट सीक्वेंस है, चलती जा रही है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी तीसरी चौथी पांच टर्म लिखी हुई है और बाकी हमें नहीं पता. अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसमें मुझे आप जो इस सीक्वेंस की 100 टर्म जो होगी वो बताओ, तो आप लोग अगर पागल होगे कि इसको लिखते जाओगे 9-11 करते 100 टर्म बनाओगे और बताओगे 100वीं टर्म ये वाली है. सही, ये बेवकूफ़ों वाला तरीका है कि आप इसको लिखते जाओ, जो 100 टर्म होगी वो आप मुझे बताओगे हाँ ये वाली 100 टर्म है. सही, इसका इसी तरीका क्या है, हम जनरल टर्म बना लेते हैं. अब इसके अंदर अगर मुझे लेट से मालूम करना हो कि इस सीक्वेंस की 50वीं टर्म कौन सी है, 50 टर्म कौन सी है, 5वीं टर्म क्या है, 9 के बराबर, मुझे मालूम करना है कि 50 टर्म किसके बराबर होगी, तो क्या करो, इसमें पुट कर दो. ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसकी क्या है, 1 है, सही, तो 1 लिख दिया. प्लस एन क्या है, आप चाह रहे हो 50वीं टर्म आपको मालूम करनी है तो एन मतलब 50 डाल दो माइनस में. डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है इनमें, 2 के बराबर है, सही, तो 1 प्लस 50 माइनस 1 क्या होगा, 49, 49 टू जा 98 आ जाएगी. तो जो इसकी 50 टर्म जो होगी वो क्या होगी, 99 के बराबर हो जाएगी. जो सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी टर्म. तो अगर मैं n की वैल्यू 50 पुट करूंगा तो t 50 का मतलब 50वीं टर्म जो है वो किसके बराबर है, 99 के बराबर है. तो nth टर्म या जनरल टर्म बनाने का फायदा हमें ये होता है कि हम कोई भी टर्म निकालना चाहते हैं तो हम आराम से निकाल लेंगे, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अब मुझे इसमें रिस्ट्रिक्शन ये नहीं कि आप सिर्फ 100 तक निकाल सकते हो, नहीं, आप अगर 1000वीं टर्म में निकालना चाहते हो आप निकाल लोगे इसे, सही. तो इसलिए हम जनरल टर्म बनाते हैं, ये हमें सिग्निफिकेंस है. किसी भी हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, nth मतलब कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 5th टर्म, 88 टर्म, कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं उसके अंदर, सही. इसके बाद मैं सवाल सॉल्व करवाता हूँ आप लोगों को. उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं चार
अननोन आ रहे हैं, टी एन ए एन और डी। अगर आपके पास तीन गिवन है, जैसे लेट से अगर आप ए एन और डी गिवन है तो आप चौथा फाइंड कर सकते हो, अगर आपके पास टी एन ए और डी गिवन है तो आप एन फाइंड कर सकते हो, अगर आपके पास टी एन डी और एन गिवन है तो आप ए फाइंड कर सकते हो। कोई भी तीन चीज़ गिवन है तो आप चौथी चीज़ फाइंड कर सकते हो इसके अंदर, सही है।